चल इस पीसफुल प्रोटेस्ट का ताल्लुक है यहाँ फॉरगार्ड में, हमने जिला हेडक्वार्टर पे ये हाईकमांड पार्टी हाईकमांड तरफ से ये कॉल है पूरी रियासत में, उसी सिलसिले में यहाँ भी पुंछ में भी हमने यहाँ पे फॉरगार्ड में प्रोटेस्ट पुरमन प्रोटेस्ट रखा है। इसका मुद्दा और मकसद, जैसे कि आप पिछले चार महीनों से देख रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है जो चल रही है, हमारे कहने का ये मुद्दा और मकसद है आज की इस प्रोटेस्ट में कि हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है कि जिनके पास बड़े बड़े रकबा जात के बड़े बड़े चंक्स हैं उनसे अगर रकबा खाली किया जाए या उनसे बेदखल किए जाएं। इसके अलावा जो कोई एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स मुलाजम, कोई भी ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई भी हो, उससे भी अगर उनके पास अगर इलीगल कब्जे हैं सरकार पे, हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है, उनसे भी बेदखल किया जाए। लेकिन हमारा मुद्दा और मकसद जो है, गरीब लोग जो यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बड़ी कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें बेरोजगार नौजवान हैं, जमीन दो दो चार चार कनाल जिनके पास है और बॉर्डर पे हैं, जब भी कहीं मिलिटेंसी का वो मामला बना तो वो शिकार होते रहे, या कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग होती रही तो फिर भी वही लोग शिकार होते रहे। हमारा ये मुद्दा है कि हम कम से कम उन लोगों के पास न छेड़ा जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आश्वासन दिए गए हैं कि हम छोटे लोगों के साथ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस यहाँ धरने की अपने माध्यम से मैं आपकी वसात में कहना चाहता हूँ कि ऐसे जबानी जो बयानात आते हैं हुकूमत की तरफ से वो कम से कम रिटर्न में आए, ताकि हमें पता चले कि ये किन लोगों को, किस सतह तक लोगों को ये जो छेड़ा नहीं जाएगा, जिनके पास दो कनाल है, चार कनाल है, छोटा मोटा खोखा है, तजारत है या जमीन है छोटी मोटी, बॉर्डर पर रहते हैं, कम से कम इनके साथ इंसाफ किया जाए। तो यही हम चाहते हैं कि ये रिटर्न में एक आर्डर आए, ताकि उसी बेस पे यहाँ पे हम मुतमईन रहें।